दोस्तों आज महेशी रसोई में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो ऑल टाइम सभी की फेवरेट भी है और वो है मसाला डोसा। लेकिन कभी आपका इंस्टेंट मसाला डोसा खाने का मन करे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10-12 घंटे का समय लगे। आप 10-12 मिनट में भी वैसा ही डोसा बनाकर खा सकते हैं, उतना ही क्रिस्पी उतना ही टेस्टी। तो देखिए क्रिस्पी कितना है। और फ्रेंड्स साउंड से ही आपको पता चल रहा होगा कि डोसा बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसके लिए आपको सांभर की भी ज़रूरत नहीं है, आप हरे धनिया की चटनी, टमाटो केचप या नारियल की चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डोसा बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम बैटर ही बनाएंगे और बैटर बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी मिक्सी के जार की, जिसमें हम दाल चावल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे। हम डालेंगे इसमें 5-6 कलियां लहसुन की। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। और थोड़े से तीखेपन और एक अच्छे टेस्ट के लिए हमने डाली है इसमें 1 हरी मिर्च, 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा। अदरक को बिल्कुल अच्छे से धो लिया और उसके बाद में छील लिया। और उसके बाद मैंने लिया है 1/2 कप जितनी सूजी। फ्रेंड डोसा हम सूजी से बनाएंगे, लेकिन सूजी के अलावा भी कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे प्रॉपर क्रिस्पी हमारा डोसा बनकर तैयार होगा। तो ये 1/2 कप यानी मैंने 125 ग्राम जितने सूजी लिया है। और उस रेशियो से हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच जितना नॉर्मल गेहूं का आटा। हाँ फ्रेंड्स ये नॉर्मल गेहूं का आटा ही है, इसी से ही डोसा बहुत क्रिस्पी बनेगा। और उसके बाद लिया है 1 टेबल स्पून जितना बेसन। फ्रेंड्स आप इसका जो मैंने मेजरमेंट बनाया है वो अच्छे से ध्यान रखें। और इस बेसन से आपका डोसा कमाल का बनकर तैयार होगा, काफ़ी अच्छी उसमें खुशबू आएगी, कलर अच्छा हो जाएगा, क्रिस्पी बहुत अच्छा बनेगा। फ्रेंड्स जब हम बाजार का डोसा खाते हैं तो आपने देखा होगा उसकी जो ब्राउन सी चकतियाँ होती हैं, जो लाइनिंग होती है वो ब्राउन सी होती है। तो बस ये चीनी वही काम करेगी। और उसके बाद डाल दिया थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम इसमें लगाएंगे अभी फिलिंग भी, और फिलिंग भी होगी बहुत ही गजब और मसालेदार, इसलिए नमक थोड़ा सा ही डालेंगे। और इन सब चीज़ों को फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल ही अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन सा हमारा पाउडर तैयार हो गया है। अब ना तो आटे का पता चल रहा है, ना बेसन का, ना सूजी का। तो बस अब मैंने लिया है जिस कप से मैंने सूजी का मेजरमेंट किया था, बिल्कुल उसी कप से नाप कर दही लिया है और उसी कप से नाप के ले लिया पानी। और इन सब चीज़ों को हम करीब 1 से 1.5 मिनट तक लगातार फेंट लेंगे, जिससे ये फिट भी अच्छे से जाएंगी और मिक्स भी बढ़िया हो जाएंगी। ये है ना घंटों का काम, मिनटों में हो जाएगा। और ये देखिए बढ़िया सा हमारा फाइन सा पेस्ट तैयार है। और आप देख सकते हैं कि चम्मच पर एकदम अच्छे से कोट हो रहा है और एकदम बारीक है, ये भी आपको पता चल रहा है। तो इसे कर लिया एक बड़े से मिक्सिंग बाउल के अंदर। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा डोसे का बैटर एकदम तैयार है। जी हाँ, डोसे का बैटर एकदम तैयार हो गया है। वैसे तो इसे रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हमें तो फिलिंग बनानी है, तो इसे भी थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, जिससे जो सूजी है थोड़ी सी फूल जाएगी। वैसे तो अच्छे से फूल चुकी है, तो चलिए इसे एक साइड से कर देते हैं। और हम करते हैं इसकी बहुत ही मज़ेदार और एकदम गजब के टेस्ट वाली फिलिंग की तैयारी। उसके लिए गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रख दिया और उसमें डाल दिया 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना सरसों का तेल। आप कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तिल के तेल में भी स्टफिंग बहुत ही बढ़िया बनती है। और उसमें गई 1/2 टीस्पून जितनी राई, 1/2 टीस्पून जितना जीरा ले लिया। अगर आपके पास कटे हुए करी पत्ते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेंगे। और उसके बाद मैंने लिए 1 बड़े साइज़ की हरी मिर्च, जिसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे एकदम बारीक बारीक चॉप किया है। और फ्रेंड्स इसके लिए आपको प्याज का ना तो कलर चेंज करना है, ना ही उसे ट्रांसपेरेंट करना है, बस जैसा प्याज है बस हल्का सा गर्म हो। ये देखिए प्याज एकदम परफेक्ट गर्म हो चुका है, क्योंकि ऑयल एकदम धुआंधार गर्म था। तो उसमें मैंने डाल दिया 1 बड़े साइज़ का टमाटर। टमाटर के आपको बीज वगैरह नहीं निकालने हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये क्या 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, और ये लिया मैंने 1/4 टीस्पून जितना गर्म मसाला। और उसके बाद मैंने लिया स्पेशल सांवर मसाला, जिससे स्टफिंग बहुत ही बढ़िया टेस्ट करेगी। और ये गया 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना पानी, जिससे स्टफिंग थोड़ी सी गीली सी हो जाएगी। इसके लिए आपको ना तो टमाटर को बहुत ज़्यादा भूनना है, ना प्याज को भूनना है, स्टफिंग आपको फटाफट बनानी है, क्योंकि हम बना रहे हैं इंस्टेंट डोसा।
फ्रेंड डोसा इंस्टेंट रहेंगे लेकिन टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये मैंने डाल दिए, ये उबले हुए आलू, एकदम अच्छे से उबले हुए आलू हैं। और ये गया खूब सारा हरा धनिया, साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छे से आलूओं को भी मसाले में चला लेते हैं, जिससे मसाले में आलू अच्छे से कोट हो जाएंगे, बढ़िया सा टेस्ट करेंगे। लेकिन इस तरीके से साबुत आलू तो हम स्टफ़ नहीं कर सकते, तो बस आलूओं को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा तोड़ लिया है। अगर आलू का कोई मोटा चंक्स है तो उसे एकदम अच्छा बारीक कर ले, वरना अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता। आलू का मोटा सा टुकड़ा आता है तो डोसे में खाने में बढ़िया टेस्ट नहीं करता। मसाला तैयार हो गया है तो बैटर देख लेते हैं। और ये देखिए बैटर पहले से थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस डोसे का जो बैटर होता है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, अगर आपने ज़्यादा पतला कर लिया तो जैसे ही आप डालेंगे जल जाएगा और वो थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट देगा, इसलिए बस परफेक्ट बैटर हमारा तैयार है, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है। और आप देख सकते हैं कि एकदम फाइन सा देखने से ही पता चल रहा है। तो इसको फर्मेंटेशन करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून जितना डाल दीजिए। अगर आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून डालिए, क्योंकि उसका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। और अगर आपके पास इनो है तो आप आधा पाउच इनो डाल सकते हैं, यानी आपके पास जो भी है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि इसमें किस तरीके से बबल्स उठ रहे हैं। तो आपको लग रहा है ना कि जैसे हम नॉर्मली बैटर बनाते हैं 12-14 घंटे के लिए रखते हैं, उसके बाद इस तरीके का बैटर तैयार होता है, बढ़िया सा उसमें खमीर उठा हुआ होता है। तो हमारा ये काम सिर्फ 15 मिनट में होकर तैयार हो गया है, और वो भी हमें स्टफिंग बनानी थी इसलिए हमने इसे रख दिया, और वरना आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए बैटर भी बढ़िया तैयार है, इधर मसाला ज़बरदस्त तैयार है, तो फिर देर किस बात की है, तवा भी तैयार है। तो डोसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम तवे को अच्छे से हाई हीट पर गरम कर लेंगे, और जैसे ही तवा गरम होगा हम उसे करेंगे ऑयलिंग। इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल डाला, और इस ऑयल की भी हमें ज़रूरत नहीं है। एक आप इस तरीके से नैपकिन ले लीजिए और इसे अच्छे से आप वाइप कर दीजिए। अगर आप नॉर्मल तवे पर भी डोसे बना रहे हैं तो आप यही प्रोसेस कीजिए, उससे आपका डोसा तवे पर चिपकेगा नहीं। लेकिन मैंने तो नॉन स्टिक का यूज़ किया है। अब डाल दिया थोड़ा सा पानी, जिससे थोड़ा बहुत अगर ऑयल होगा तो वो हट जाएगा और हमारा जो डोसा है वो अच्छे से तवे पर स्टिक हो जाएगा। जब तक वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा वो बाज़ार में जो राउंड राउंड सी चकतियाँ आती हैं वो नहीं आएंगी। फ्रेंड डोसा फैलाने का भी एक तरीका होता है, आप बिल्कुल सेंटर में बैटर डालिए और आपने जो स्पून ले रखा है उसे इस तरीके से राउंड से घुमाना स्टार्ट कीजिए। और आप जो देख रहे हैं जिस तरीके से चम्मच घूमती जा रही है, वहाँ वहाँ से डोसा बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है, और उसकी वजह से उस जगह एकदम बढ़िया सी डिज़ाइन बन जाएगी जो कि मार्केट वाली होती है। और बस ऊपर से हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, आप चाहें तो देसी घी लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और देखिए अब ये हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगा है, लेकिन इधर साइड से ब्राउन नहीं हुआ है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा तवे को उधर की तरफ कर ले, जिससे इधर पर फ्लेम लग पाए और डोसे पे बढ़िया कलर आ जाए। मार्केट वाले जो भट्टी लगाते हैं उनकी तो भट्टी बहुत बड़ी होती है और तवे पर चारों तरफ अच्छे से आ जाती है, लेकिन घर की छोटी सी गैस में आपको ये छोटा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी आपके डोसे पे चारों तरफ बढ़िया सी इस तरीके से चकतियाँ आ पाएंगी। क्योंकि मैंने छोटे साइज का डोसा नहीं बनाया, काफ़ी बड़ा डोसा है, अगर आपने जो तवा लिया है छोटा है तो आपका सेंटर में रख के भी काम हो जाएगा। तो बस अब मसाला अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। फ्रेंड्स हमने मसाले को थोड़ा सा गीला सा बनाया था, और उससे आप फ़ायदा देख रहे हैं कि वो बहुत ही आराम से स्प्रेड हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं मसाला पनीर डोसा बनाना तो बिल्कुल थोड़ा सा पनीर ले लीजिए और इस तरीके से आप ग्रेट कर दीजिए। और अगर आप सादा मसाला डोसा बना रहे हैं तो सिर्फ आलू के साथ बनाइए, अगर आप पेपर डोसा बना रहे हैं तो मसाले को भी स्किप कर दीजिए। और आप इसको बस इस तरीके से मैंने राउंड कर दिया। फ्रेंड्स टर्न करने से ही आपको अंदाज़ा पड़ रहा होगा कि हमारा जो डोसा बना है वो बहुत ही क्रिस्पी बना है। और एक तो बनाया हमने मसाला डोसा, और ये मैंने रखा है फ्रेंड्स पेपर डोसा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब आप चाहें तो मसाला डोसा बनाएं, आप चाहें तो पेपर डोसा बनाएं, लेकिन जब इंस्टेंट बना रहे हैं तो सांभर तो नहीं बनाएंगे, तो बस उसके लिए मैंने चटनी ले ली है, हरे धनिए की चटनी लिया है, टमाटो केचप लिया है, और उसके साथ ही मैंने नारियल की चटनी ले ली है। सिर्फ चटनी के साथ भी ये डोसा खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें।